केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। कहते हैं इरादे नेक हो तो सफलता मिल ही जाती है। ट्रक ड्राइवर ने लॉकडाउन को चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में लिया और अपनी जिंदगी ही बदल डाली। जी हाँ, केदारुत पंचायत का मंटू सिंह वही ड्राइवर है जिसने ट्रक बेचकर सब्जी की खेती में लग गया और आज ना सिर्फ अपने परिवार के लिए खुशियां बटोर रहा है बल्कि दूसरे लोग भी मंटू से प्रभावित होकर सब्जी उत्पादन में लग गए हैं। बता दें कि बरही के केदारुत पंचायत के मंटू सिंह ट्रक बेचकर खेती में लग गए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 7 एकड़ में उनके द्वारा सब्जी की खेती की जा रही है। उनके कृषि क्षेत्र का जायजा लेने पर पता चला कि उनके द्वारा विभिन्न ब्लॉक बनाकर खेती की जा रही है। भिंडी, नेनुआ, करेला, खीरा, कद्दू, बोधी, मकई सहित कई विभिन्न प्रकार के फसल लगाई गई है जो रासायनिक खाद से अलग है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष मात्र 20,000 रुपए की पूंजी से खेती प्रारंभ कर लगभग 1,00,000 रुपए का व्यापार किया गया था। इस कार्य में उनकी धर्मपत्नी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि यह खेती अपने पूर्व अनुभव के आधार पर कर रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार से प्रशिक्षण नहीं मिला है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। फिल वक्त पानी और बिजली की समस्या है, इसके लिए उन्होंने कृषि पदाधिकारियों से साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से पानी और बिजली के साथ साथ आर्थिक मदद की मांग की है। यदि इस ओर ध्यान दिया जाए तो निश्चित ही यह स्थान बरही में सब्जी बागान के रूप से जाना जाएगा। इन्हें कृषि प्रशिक्षण तथा उचित सलाह की भी आवश्यकता है। बरही से अमित सोनी की रिपोर्ट। यहाँ जो खेती आप कर रहे हैं, कितने दिनों से खेती कर रहे हैं? साल भर से कर रहे हैं। पहले आप क्या करते थे? ड्राइविंग करते थे। कौन सा गाड़ी चलाते थे? ट्रेलर। फिर एकाएक आपको खेती पर ध्यान कैसे आया? जैसे कि गाड़ी में हमको बहुत तकलीफ समझ में आता था, जगने के लिए बहुत थोड़ा नहीं अच्छा लगता था, इसके लिए हम खेती पर उतर गए। तो खेती से आपको क्या लाभ मिल रहा है यहाँ पे? जैसे मिल रहा है कि हम अकेला खेती कर रहा हूँ लेकिन 1,000 हमारे अथी पर लोगों को सब्जी में खिला रहा हूँ। कुछ पैसे के किफात में मैं किसानों को और लोगों को मतलब दे रहा हूँ। आपका सब्जी जो है कहाँ कहाँ जाता है? बरही चौक पर जाता है। अच्छा, बरही चौक, और कहीं दूसरे जगह से लोकल गांव देहात में भी जाता है, लोग आता है और लेके जाते हैं। सब्जी में क्या क्या उपजाते हैं? कद्दू हो गया, खीरा हो गया, भिंडी हो गया, मक्का हो गया, नेनुआ, ये सब, झींगा। कितने दिनों से कर रहे हैं काम? ये साल भर से कर रहा हूँ। कैसे आपको प्रेरणा मिली इस काम के लिए? जैसे हमने अपने सोचा कि खेती करके कुछ देखें, अगर समझ में आ जाए तो कृषि से जुड़े और जुड़ के हम अपना इसका लाभ उठाएं। कितने क्षेत्र में खेती कर रहे हैं? ये हमारा प्लॉट 6 एकड़ 92 डिसमिल का है। आपका खुद का रहती प्लॉट है? जी। इस संबंध में आप सरकार से के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क किए हैं क्या, कृषि वैज्ञानिक वगैरह से? ये हम नेता फेम कंपनी, ये ड्रिप लाइन से हम इसमें डलवाए हैं और वो भी प्रधानमंत्री योजना से मिला हमको ये नेता फेम का और डलवाए हैं। अच्छा, कुछ लोग तो खेती से दूर होते हैं लेकिन आप ट्रक छोड़ के खेती पर आए, इस पर क्या कहना है आपको? अभी हमको सरकार से मैं मांग रहा हूँ कि यहाँ बिजली और ये पानी का व्यवस्था हमको चाहिए और खेती से हम जुड़े रहेंगे। खेती में हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वित्तीय व्यवस्था के बारे में क्या आप कहेंगे? आपका फिनेंशियल क्या है? पैसा कहाँ से आता है आपके यहाँ? पैसा मेरा पास नहीं था तो कुछ कर्ज लेके किसी अगले से हम धीरे धीरे बिया डाल के मैं इसी से उगा रहा हूँ और धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। इस 1 साल के दरमियान में आप क्या महसूस किए? महसूस ये हुआ कि हम 20,000 कहीं से कर्ज ले करके लाए थे जो कि अभी तक हमने 1,00,000 रुपये यहाँ से कमा लिया। धन्यवाद।